कैसे हैं आप? जी ठीक है सर। ये बताइए, ये पैंट के ऊपर चड्डी पहनने का क्या रीजन? देखिए, पैंट के ऊपर ये जो चड्डी आप देख रहे हैं, ये चड्डी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोटेक्टर है, सेफ्टी गार्ड। आज आप जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, तो उसका प्रदूषण का हमला जो है मेरे ऊपर डायरेक्ट ना हो पाए, अटैक ना कर सके, इसलिए मैंने ये सेफ्टी गार्ड के लिए पहन रखा है। अगर हो सके तो आप लोग भी इसका यूज कीजिए, मार्केट में मिलता है 13.50 रुपए में। अगर चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूं। आज जो है हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए। कौन सा कार्य? कार्य ये है कि अब अगर खुले में आपको कोई हंसता हुआ दिखे तो आपको फोटो खींच लेना है। उस फोटो का क्या करेंगे? उस फोटो का आप करेंगे ये कि सरकारी विभाग में सरकारी विभाग में उस फोटो का आपको भेज देना है। वहाँ क्या होगा? वहाँ पर ये होगा कि जो भी लोग जो इस मानसिकता के हैं कि उन्हें खुले में ही हगना होता है, तो सरकार द्वारा कुछ लोग भेजे जाएंगे, जितना उन्होंने हग रखा है, चाहे तो उसके उस मटेरियल को कैप्चर कर लिया जाएगा या फिर हगने वाले को कैप्चर कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हम अपने शहर और गांव को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। देखिए, ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, ठीक है, और ये शिक्षित वर्ग ही कर सकते हैं। आप लोग शिक्षक या टीचर हैं, आप लोग इसको बहुत ही खूबसूरती से निभा सकते हैं। इसके लिए सरकार आप लोगों को एक स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा। आप लोग तैयार हैं जिम्मेदारी निभाने के लिए? जी सर। आप लोगों में से किसी को कोई सवाल है? सर, अगर वो आदमी जूता मारा तो? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है जी। बाहर हगने से बचाने के लिए अगर आपको जूता भी खाना पड़े, खा लीजिएगा, कौन से आपकी इज्जत है जो इज्जत चली जाएगी? समझ रहे ना? चलिए, इसी बात पर एक बार ताली हो जाएगी।